सत श्रीकाल जी, मेरा नाम सुमित खन्ना, मैं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट एट ओम ग्लोबल। अज गल करांगे पार्टनर वीजा दी, केड़े केड़े पार्टनर वीजा होंगे, की प्रोसेसिंग होंगी, की उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है। सब तो पहला पार्टनर वीजा दे विच दो डिफरेंट तरीके ना एप्लीकेशन लग सकती। ऑफशोर पार्टनर वीजा जिहड़ा कि सब क्लास 309-100 ते ऑनशोर पार्टनर वीजा सब क्लास 820 ते 802। फर्क की है दोनों दे विच, 309 ते 820 टीआर ने टेंपरेरी रेजिडेंसी, 100 ते 801 पीआर परमानेंट रेजिडेंसी। प्रोसेसिंग टाइम की जो गल करिए डिपेंडिंग ऑन द कंट्री ऑफ पासपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल जो तुम इंडियन या पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हो, इट कैन टेक 9 months to 12 months टू प्रोसेस योर टी आर एप्लीकेशन। जी परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन है, 2 years आफ्टर द डेट ऑफ एप्लीकेशन एलिजिबल हो जाओगे। इहदे तो इलावा पार्टनर वीजा दे विच एक स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन होंदी है, जिहड़ी कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन या पी आर जिहड़ा स्पॉन्सर है उहदे वल्लों पाई जाती है स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन। फाइनली जो थी टी आर ग्रांट होगी, एज आई सेड 2 years आफ्टर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, स्टेज 2 एप्लीकेशन रेडी हो जाने हो या एलिजिबल हो जाने हो। जी थी डिपार्टमेंट की एम्बेसी फीस जी लगती है वह स्टेज 1 के ही लग जाती है। इस टाइम से डिपार्टमेंट ने थोड़े तो एम्बेसी फीस ले लेनी है, तो इस टाइम तक कोई एम्बेसी फीस नहीं होती। बस यू नीड टू मेक श्योर कि यू प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन कि 2 साल रिलेशनशिप कितना का रहा। Key to partner visa is 4 pillars of relationship. End of the day, तुसी PR apply कर रहे हो, based के तुसी Australian PR या citizen दे नाल marriage की थी या defect हो दे basis दे apply कर रहे हो। 4 pillars of relationship meet करना बहुत अहम है। ये नहीं meet होंदे, नहीं बहुत ज्यादा document तुसी provide करते हो, कितने ना कितने it leads to refusal as well. चाहे अप्लाई करना सौखा हो वीजा, डॉक्यूमेंटेशन बहुत होने करके दे आर मल्टीपल समटाइम्स RFIs जिन्हों आप रिक्वेस्ट फॉर इनफॉरमेशन कहते हैं। तो इसलिए जे तुसी ये वीजा अपने स्पाउस लई डीफैक्टो स्पाउस लई अप्लाई करना चाहते हो, होम ग्लोबल हैज एक्सपर्टीज ऑफ लॉजिंग हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन इन दीज कैटेगरीज, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो।